हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रॉबिस संतोष पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर आर्ट होती क्या है। तो गाइस, आपसे जो गाइस जो सीन है गाइस, कुछ इस तरह का है कि मैं आपको हर दिन एक डेली प्रैक्टिस की वीडियो बताया करूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आपकी जो ड्राइंग है वो इम्प्रूव हो। लेकिन गाइस, ड्राइंग इम्प्रूव करने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आखिर हम जो शुरू कर रहे हैं वो आखिर होती क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर ड्राइंग क्या होती है। तो गाइस, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मतलब सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आर्ट है ना, वो बहुत पुरानी है। मतलब ये समझ लो कि जब ये दुनिया बनी होगी ना, तभी से। और गाइस, मतलब ये गाइस सच बात है कि जब से इंसान जो है वो धरती पे आए, तभी से जो हमारी आर्ट है वो चालू हो गई। तो गाइस, मतलब इसी तरह की गाइस जो आर्ट की जो हिस्ट्री है वो कुछ ज़्यादा ही अलग है, या फिर हम कह लें कि बहुत लंबी हिस्ट्री है इसकी। अगर मैं आपको बताने लग गया शायद ही मतलब पूरी वीडियो में बता पाऊँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको एक छोटे पॉइंट में बता देता हूँ कि आर्ट होती क्या है एक्चुअली। और गाइस, सिंपल पॉइंट है एकदम ये। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप आर्ट शुरू करो, और गाइस अगर आप चाहते हो कि आप आर्ट को अपना प्रोफेशन बनाओ, तो गाइस प्रोफेशन बनाने में और आर्ट को शुरू करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप अपनी गली में क्रिकेट खेलते हो, ठीक है गाइस, आप अपनी गली में क्रिकेट खेलते हो, आप कभी फील्ड पे नहीं गए खेलने के लिए, आपने कोई क्लब ज्वाइन नहीं करा। और गाइस, मतलब आप सोचते हो कि हम सिर्फ क्रिकेट जो खेल रहे हैं वो अपने शौक के लिए खेल रहे हैं, मतलब ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। तो वो सिर्फ शुरू करना खेलेगा क्रिकेट को, क्रिकेट सिर्फ ये खेलेगा आपको कि मतलब आपसे क्रिकेट खेलते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं क्रिकेट को अपना प्रोफेशन बनाऊँ, तो गाइस उसके लिए आपको किसी अकेडमी में जाना पड़ेगा, आपको किसी क्लब में जाना पड़ेगा, तब जाकर आप क्रिकेट को अपना प्रोफेशन बना पाओगे और लोग कह सकेंगे कि इस बंदे ने क्रिकेट को अपना प्रोफेशन बनाया है। तो फॉर एग्जांपल, आर्ट भी ऐसी है। अब आपने क्या करा, आप कहीं अगर आप स्कूल पढ़ते हो, कॉलेज पढ़ते हो, तो आपने सोचा कि मेरे पास जो खाली टाइम बचता है ना, मैं उसमें अपना जो ड्राइंग वगैरह वो बनाऊंगा, लेकिन मेरा फ्यूचर है आगे डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, वगैरह वगैरह जो भी आप समझ लो। तो वो आपका प्रोफेशन नहीं कहलाएगा, आर्ट आपका प्रोफेशन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं अब ड्राइंग शुरू कर रहा हूँ, पेंटिंग शुरू करूँगा, और मैं आगे चलकर भी इसी चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाऊँगा, तो ये होता है प्रोफेशन। मतलब आपने कोई चीज़ ठान ली तो वो आपका प्रोफेशन कहलाएगा कि आप इसी चीज़ में आगे बढ़ोगे। लेकिन आर्ट में सिर्फ कैनवास पर पेंटिंग करना नहीं होता, पेज पर स्केचिंग करना नहीं होता। आर्ट में मतलब जैसे VFX आप सुनोगे तो फिल्म एनिमेशन और ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर वगैरह वगैरह, ये सब होते हैं आर्ट फील्ड में। और गाइस, मतलब अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप आर्ट को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो उसको छोड़ो मत, लेकिन अगर आप आर्ट शुरू करना चाहते हो तो भी छोड़ो मत। क्योंकि इससे आर्ट ऐसी चीज़ है ना जो आपके हर जगह है। आप ये मत सोचो कि आर्ट सिर्फ पेपर तक सीमित है, आर्ट हर जगह, ऑल ओवर अराउंड। आप कहीं भी देखो, आप अपनी छत को देखो, आपकी छत को बनाने वाले जो मिस्त्री होंगे, जो लेबर्स होंगे वगैरह, उन सब में एक आर्ट थी, तभी तो आपका घर इतना शानदार बन पाया, इतना अच्छा बन पाया। कभी कभी आप सोचो कि जो सीढ़ी या स्टेयर्स है जो हमारे छतों पर लगे होते हैं गाइस, कभी आप सोचो कि उसका जो इवेंट वो इनोवेशन किसने करा होगा। अब गाइस, ये तो खैर बहुत मतलब वैसा पॉइंट आ गया कि आखिर किसने करा होगा, या फिर हम सोचे कि छत का आविष्कार किसने करा होगा। छत का खैर आविष्कार हम भी समझ लेते हैं कि बारिश होती होगी तो लोग अपने को ढकने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हो, छत का इनोवेशन हो गया उस टाइम। लेकिन अब गाइस, अब आप सोचो कि हमारा जो घर है, जो ईंट वगैरह है, सीमेंट है, वो मतलब कैसे बना। और गाइस, अभी तो हम अपना घर देख रहे हैं जो सीमेंट से बना है। आप कभी ताजमहल जाओ, लाल किला जाओ, वहाँ देखो, वहाँ तो खैर सीमेंट का बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ। वहाँ तो जो दाल होती है, दाल चावल वगैरह, उनको भिगो कर रखते थे और उन्हीं से मतलब सीमेंट बनाते थे और वही चिपकाते थे। और गाइस, उनकी दीवारें इतनी मजबूत है कि अगर आप उनको तोड़ भी नहीं पाओगे अकेले। तो गाइस, कुछ इस तरह की गाइस आर्ट ना खैर बहुत पुरानी है। आप किसी भी जो हिस्टोरिकल जगह हैं वहाँ पे जाओ और उनकी बिल्डिंग्स को देखो, उनकी जो जो वॉल पर पेंटिंग होती है पत्थरों से तराशी हुई, उनको देखो, वो मतलब एक आर्ट होती है, वो भी एक आर्ट होती है। आप जो भी देख रहे हो अपनी आंखों के सामने, आप ये फ़ोन देख रहे हो अपनी आंखों के सामने, आप जो जो भी मतलब देख रहे हो यूट्यूब वगैरह, उन सब में, उन सब के पीछे एक आर्ट है गाइस। अब एक बात और, किसी भी जो बड़ी चीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो और आपको सबसे पहले उसको एक पेपर पर उतारना पड़ेगा। जैसे हम प्लेन देखते हैं आसमान में, हम सोचते हैं कि प्लेन कितना बड़ा होगा, किसने इसको इन्वेंट करा होगा और किसने इसके बारे में सोचा होगा। तो ये तो क्या राइट ब्रदर्स ने इनको सोचा था, लेकिन आप ये सोचो कि राइट ब्रदर्स से पहले ही लियोनार्डो दा विंची ने
इसका आविष्कार कर दिया था। मतलब उन्होंने एक पेपर पे इसी चीज़ की एक ड्राइंग बनाई थी प्लेन को लेकर, और गाइस वही ड्राइंग हम आज भी देखते हैं। तो गाइस खैर प्लेन का आविष्कार तो खैर बहुत राइट ब्रदर्स ने करा था, लेकिन जो मॉडल था वगैरह वो लियोनार्डो डा विंची ने करा था। और गाइस उन्होंने बहुत सारी खोज करी, उन्होंने कैंचे की खोज करी, उन्होंने मतलब मोनालिसा की पेंटिंग बनाई, उन्होंने मतलब बहुत तरह की खोजें करी। और गाइस मतलब वो कभी मतलब सेटिस्फाई नहीं हुए अपने काम को लेकर। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मतलब ये मैंने काम कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लोग नाम करेंगे। आपको भी गाइस ऐसा नहीं करना है। फॉर वो कैसे मैं आपको बताता हूँ, सॉरी गाइस मुझे लगा शायद कैमरा बंद है इसलिए। तो गाइस कैसे करना है वो आपको बताता हूँ मैं। जैसे आपने कोई ड्राइंग बनाई, आपने कुछ भी करा, आप उस पर कभी सेटिस्फाई मत हो कि मैंने बहुत अच्छा करा है, मेरे से अच्छा कोई कर सकता नहीं है। गाइस आपने अच्छा करा है वो बात सही है, लेकिन आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता ये बात गलत है। ये बात तो भूल जाओ आप, क्योंकि आप पे करने से पहले भी लोग बहुत चीज़ें कर चुके होंगे और आपसे अच्छा करा होगा, उनने कभी घमंड नहीं करा, तो आप लोग घमंड क्यों कर रहे हो अपनी आर्ट पे। और गाइस किसी भी अगर आप किसी अपने से जूनियर लोगों की ड्राइंग देखते हो तो गाइस उनकी मतलब बेइज्जती मत करा करो। मैंने बहुत अपने फ्रेंड्स को भी देखा है जो वो क्या करता है कि किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं होती उनकी मतलब बेइज्जती करते हैं, उनको मतलब बहुत करते हैं मतलब बेइज्जती करते वगैरह। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा ना करा करो, क्योंकि गाइस ड्राइंग तो खैर किसी की अच्छी नहीं होती। आप बड़े बड़े आर्टिस्ट के पास जाओ, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते अपने आर्ट वर्क को लेकर, वो सोचते हैं इससे भी अच्छा बन सकता था। मैं भी गाइस अगर मेरे से कोई ड्राइंग बनती है अच्छी, तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं इससे भी अच्छा बन सकता था। बड़े बड़े आर्टिस्ट वो भी सोचते हैं कि इससे भी अच्छा बन सकता था। आप भी यही सोचते रहो, आपने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई, पूरी दुनिया कह रही है कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, लेकिन आप सोचो इससे भी अच्छा बन सकता था। आप अपने काम को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाओ। अगर कोई एक पेंसिल पेंसिल से बनाता है, स्केच पेंसिल का कोई बनाता है, तो आप उससे अच्छा बना के दिखाओ, लेकिन आप उससे सेटिस्फाई मत हो कि हाँ मैंने कर लिया, अब मैं इसके आगे नहीं करूँगा। सेटिस्फाई बिल्कुल मत होना अपने काम को लेकर कभी, बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। तो गाइस आर्ट जो है ना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं आपको बताने लग गया ना, अगर मैं गाइस इसके बारे में पढ़ने भी लग गया, या मैं सोचूं कि मैं इस आर्ट को लेकर मतलब बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाऊं, तो गाइस बन जाऊंगा, लेकिन मैं तब भी आर्ट के बारे में सिर्फ इतना ही जान पाऊंगा, इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो गाइस आर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। आप गाइस कभी अपने आप को देखो, कभी शीशे के सामने जाओ और अपने आप को देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आखिर कितनी बड़ी है। जैसे गाइस अब आप सोचो कि आपके जैसे इंसान, हम कहते हैं कि 7 लोग हैं पूरी दुनिया में, चलो ठीक है गाइस 7 लोग होंगे, लेकिन अगर उनको खड़ा कर देना एक साथ, तो गाइस आप सेम नहीं लगोगे। ऐसे ही गाइस आप सोचो गाइस जो गॉड होता है, भगवान होता है, उसने कैसे क्रिएशन करी कि मतलब दुनिया में अरबों खरबों लोग रहते हैं, उन सबकी शक्लें सेम नहीं है। गाइस कैसे हो सकता है ये, जबकि बनाने वाला भी एक है, तो कैसे मतलब शक्ल सेम क्यों नहीं हुई भाई। ये तो खैर बहुत बड़ा मतलब रीज़न है एक तरह से। आप सोचो अगर आप किसी चीज़ का पोर्ट्रेट बनाते हो ना बिना देखे, तब भी गाइस अगर मैं आपसे कह दूं कि आप 500 पोर्ट्रेट बनाओ, आप गाइस कुछ तो कर ही दोगे, लेकिन गाइस कुछ पोर्ट्रेट ऐसे होंगे जो एक दूसरे से मैच करते होंगे। लेकिन गाइस अब आप सोचो भगवान ने मतलब अरबों खरबों इंसान बनाए, वो क्या सेम है? बिल्कुल नहीं, कोई भी सेम नहीं होता। किसी की हाइट छोटी, किसी का पेट बड़ा, कोई पतला, कोई लंबा, ऐसे ही गाइस से मतलब ये क्रिएशन भाई बहुत तगड़ी है। तो गाइस आप आर्ट को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो कि आर्ट बहुत छोटी चीज़ है, या फिर आप सोचते हो कि आर्ट फील्ड में पैसा नहीं है। अगर गाइस आप किसी चीज़ में पैसा लेके आते हो तो वो फील्ड आपके लायक ही नहीं है। आप गाइस अगर आप सोच रहे हो कि मैं आर्ट में जाऊँगा और खूब कैसे पैसे कमाऊँगा, तो गाइस ये चीज़ गलत है। आप आर्ट में आए हो पैसे कमाओगे वो तो कंफर्म है, लेकिन आप आर्ट में कुछ सीखोगे ये इस चीज़ पे, इस चीज़ को मतलब अपने दिमाग में रखो, फिर आर्ट में आओ कि हमें कुछ सीखना है आर्ट के बारे में। गाइस बहुत सारी बुकें होती है जैसे फेस एटोनॉमी, आर्ट एटोनॉमी, इन सब की बुक पढ़ो आप, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको मतलब आर्ट का ABCD हर चीज़ मालूम पड़ जाएगी, लेकिन मैंने क्या कहा आपको, आप आर्ट की हिस्ट्री कभी पूरी जान नहीं पाओगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत बहुत बड़ी है। और गाइस मतलब इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि आखिर आर्ट होती क्या है, और आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अब आपका जो गोल है वो क्या है। अब गाइस किसी चीज़ को अपना गोल बनाओ, लेकिन उसका अपना प्रोफेशन बना लो। गाइस हमारे जो इंडिया है वो गाइस बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर गाइस हमारे इंडिया में हर किसी को मतलब अपनी जो जो भी वो चाहता है करना, या फिर उसको जो पसंद है, अगर वो उस पर आ जाए ना, तो गाइस कोई भी इंडिया में ऐसा नहीं होगा जो सफल नहीं हो सकता। गाइस ऐसे गाइस मतलब अपना एक
एक गोल सोच लो आप कि हमें अपनी अपनी फील्ड सोच लो कि आपको किस चीज़ में अच्छा लगता है, किस चीज़ में हमें आगे जाना है वो आप सोच लो, तभी आप इस चीज़ में आगे बढ़ पाओगे। तो गाइस ये थी आज की पूरी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और गाइस इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और गाइस अगर इस वीडियो में मेरे से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन गाइस आप बस इन चीज़ को ध्यान रखना, अपने काम को लेकर कभी सेटिस्फाई मत होना, किसी भी चीज़ में पैसा मत लेकर आना कि गाइस अगर हम ये चीज़ करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं गाइस आपको सीखना है, आपको बस नीड रहनी चाहिए, हमें सीखना है, आप भूखे रहो सीखने के, आप बस सीखते रहो तभी आप गाइस कुछ बड़ा कर पाओगे, आपका कुछ नाम हो पाएगा। तो गाइस चलते हैं, मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ।